मैं जिंदा हूं। दरअसल ये बात आई क्यों, ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चौंकाने वाली खबर बीकानेर से आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर कोरोना काल में मौत के बीच अपने ही कर्मचारी को मृत बता दिया। कर्मचारी जीवित है, विभाग को निरंतर सेवाएं वो दे रहा है। इनका नाम राजेश यादव है, जो महाजन CHC में अकाउंटेंट है। राजेश 27 अक्टूबर को कोरोना से संक्रमित हुए, 29 को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ऐसा जानकारी मिली। दरअसल कोरोना संक्रमित होने का उन्हें आभास जब 27 अक्टूबर को हुआ तो जांच कराई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वो भी 29 तारीख को। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि 2 नवंबर 2020 को आपकी टीवी स्क्रीन पर जिनको हम दिखाएंगे, इनको आप पहचानिए, ये राजेश यादव हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ही कागजों पे इन्हें मृत घोषित कर दिया। 2 दिन पहले राजेश यादव को जब जानकारी इस बारे में लगी, वो खुद का नाम मृतक के तौर पर देखकर चौंक पड़े। 6 महीने से विभागीय कामों में सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि वो खुद हैरान है इस बात से, वो कभी हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुए, जबकि जारी आंकड़े हॉस्पिटल के बताए जाते हैं। जब जी मीडिया की टीम संभाग के सबसे बड़े PBM अस्पताल पहुंची, ये जानने की कोशिश की कि आखिर चूक हुई कहां से, तो हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर परमिंदर सिरोही से जब बात करना चाहे, जी मीडिया के रिपोर्टर्स ने, तो उन्होंने पहले तो बात करने पर ये बताया कि राजेश यादव की मौत का आंकड़ा या नाम हॉस्पिटल से CMHO विभाग में ही गया नहीं, ना ही उनकी कोई एडमिशन डिटेल यहां है। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही विभाग के स्तर पर हुई तो कैसे। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के डेथ आंकड़ों में 2 नवंबर को महाजन CHC के राजेश यादव की मौत घोषित मौजूद है। CMHO OP चाहर को जानकारी जब लगी तो वो खुद चकित रह गए, जांच की बात उन्होंने कही है। कोर्ट रूम में पता किया है, हमारे यहाँ से 2 नवंबर को राजेश यादव का नाम का कोई व्यक्ति की डेथ घोषित नहीं की है। इससे मिलता जुलता राजेश नाम है, राजेश बिस्सा जसोलाई तालाब का रहने वाले थे बीकानेर के, उनके जरूर की है, बाकी राजेश यादव महाजन की हमने यहाँ से कोई डेथ डिक्लेयर नहीं की है। राजेश यादव का इस तरह का एक डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल से मिला है जिसमें डेथ शो हो रही है, और आपने बताया कि बंदा भी जिंदा है और बात भी हुई है, अगर ऐसा है तो गंभीर बात है, इसकी जानकारी ली जाएगी, जांच बैठाई जाएगी और हकीकत पता किया जाएगा इसका। कोरोना काल है, कोरोना के इस काल में कई तरह की चीजें सामने आई है, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर हम दिखा रहे हैं, जहां बीकानेर में 2020 अक्टूबर में राजेश यादव नाम के व्यक्ति की कोरोना से मौत की पुष्टि सरकारी विभाग के दफ्तरों के कागजातों में कर दी गई है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिन राजेश यादव की मौत की पुष्टि डॉक्यूमेंट्स में की गई है, वो मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। आप देखिए, ये है राजेश यादव, महाजन के CHC में अकाउंटेंट के तौर पर काम करते हैं। अक्टूबर 27, 2020 को पॉजिटिव हुए थे, 29 को जांच सामने आई थी और 2 नवंबर को मौत का आंकड़ा जो है उसमें शामिल कर दिया गया। सर क्या कहेंगे आप, अलाइव है, जिंदा है, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि आपकी मौत 2 नवंबर 2020 को हो गई, क्या कहेंगे? ये तो सर बहुत बड़ी लापरवाही है जी, डिपार्टमेंट के दो जैसे PBM की रिपोर्ट है तो ये काफ़ी बड़ी लापरवाही है। अब आगे मेरे आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट के अंदर मैं डाइड हो चुका हूँ जी। अब देखें अब आगे क्या दिक्कत होती है। समाज कल्याण विभाग से फोन आया, हाँ, क्या बातचीत हुई, क्या क्या कह रहे थे? समाज कल्याण विभाग ने तो मुझे कॉल किया था कल के राजेश जी यादव इनकी सर डेथ होगी कोरोना से, तो मैं मुझे क्या CBI ताज्जुब भी हुआ, मैं थोड़ी देर हंसने लगा तो उन्होंने कहा क्या हुआ सर आप हंस क्यों रहे हो, मैंने कहा राजेश यादव तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मेरी डेथ कब होगी मुझे तो पता ही नहीं। कहीं ना कहीं देखिए राजेश यादव खुद मेरे साथ है, कागजातों में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, ये खुद कह रहे हैं, ताज्जुब कर रहे हैं कि क्यों उनके साथ ऐसा किया गया, जबकि वो हॉस्पिटल में ना भर्ती हुए और ना उन्होंने ऐसी कोई जानकारी उनके परिवार की तरफ से विभाग को दी जिसमें ये कहा गया कि उनकी तबीयत बेहद ख़राब थी, हॉस्पिटल में भर्ती थे या उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही के तौर पर इस पूरी घटना को देखा जा रहा है कि सरकारी अमले में, सरकारी सिस्टम में बैठे आदमी कितने लापरवाह है, ये सबसे बड़ा उदाहरण सामने निकल करके आया है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।